जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोटो ब्लॉगर के एक और नए वीडियो में। फिलहाल में दोस्तों अभी हम लोग हैं NH-135A जो कि फोर लेन का काम चल रहा है भदोही से लेकर जौनपुर तक, और ये NH-135A जाता है मिर्ज़ापुर से लेकर अयोध्या तक। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में आप लोग देखेंगे भदोही के आगे यहाँ पर इस रास्ते पर एक टोल बूथ का बनाया निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे फोर लेन का काम किया जा रहा है जो कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है फोर लेन। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये पचवल गाँव में बनाया जाएगा यहाँ पर टोल बूथ, जिसके लिए अभी देखिए यहाँ पर मिट्टी वगैरह साफ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से यहाँ मिट्टी भी गिराया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले लगभग यहाँ पे 25 फुट गड्ढा था, उस गड्ढे को यहाँ पे भर के यहाँ पे बनाया जा रहा है। पूरे तरह से समथर रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये एक वर्कर यानी कि यहाँ पर रहने के लिए एक रूम का व्यवस्था किया गया है जो कि अभी बन जाएगा, तो और अच्छे से हटा दिया जाएगा, यहाँ पर पूरा साफ हो जाएगा। और चलिए हम आपको यहाँ से आगे भदोही तक का भी काम दिखाते हैं, कहाँ तक काम कम्प्लीट हुआ है और ये कब तक कम्प्लीट होगा, ये सब बातें मैं आपको आगे बात करूँगा। 396 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर लंबे NH-135A भदोही मड़ियाहू जौनपुर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सई नदी पर 10 मीटर चौड़े पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। और साथ ही इस राजमार्ग के निर्माण से अयोध्या से विंध्याचल एवं चौकिया माता मंदिर की यात्रा सुगम होगी। तो अभी देखेंगे दोस्तों ये हमारे दाहिने साइड जो है, ये देखिए यहाँ पर पूरा ये ज़मीन को अधिग्रहण कर दिया गया है और आगे तक काम किया जाएगा, यानी कि इधर से ही चौड़ा करते हुए जाएगा ताकि गाड़ियों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, और टोल बूथ पर जब लाइन लगे तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जाम की समस्या ना आए। और इस हाईवे के बन जाने के बाद लोगों को ख़राब रास्ते जो कि पहले देखिए ऐसे थे, इससे भी ज़्यादा बुरे हाल में थे रास्ते, उन रास्तों से निजात मिल जाएगी लोगों को। भदोही से जौनपुर, जौनपुर से विंध्याचल, अयोध्या, ये सब जाने के लिए लोगों को आसानी हो जाएगी। दोस्तों जैसा आप लोग देखते हैं अभी ये निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी गर्दा उड़ रहा है जो कि किसी के लिए भी हार्मफुल है, कोई भी इधर से आना जाना चाहेगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। और रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि इस पर गाड़ी अगर कोई एक महीने लगातार चला दे तो उसकी गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी। हमें भी कोई काम नहीं था, लेकिन इस वीडियो के वास्ते हम लोग आए हैं, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक एक लाइक से ही हम लोगों का सपोर्ट होता है। और कमेंट में कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोगों का मनोबल और बढ़ जाए, मैं और भी वीडियोस आपको दे सकूं। तो फिलहाल में अभी हम लोग आ चुके हैं, पचवल को क्रॉस कर लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे आसपास में अगल बगल में पूरा मिट्टी गिरा दिया गया है जहाँ पर रोड को चौड़ा होना है, अधिग्रहण कर दिया गया है लगभग, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है, लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई में सड़क बनने वाला है। तो ऐसे में जगह जगह बहुत जगह अधिग्रहण करना है, बहुत जगह पूरा एक शुरू से एक सिरे से काम किया जा रहा है, इसलिए काफ़ी समय लग रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अब जल्द से जल्द ख़त्म करने का टारगेट मिल चुका है, और अभी देखेंगे तो इधर आसपास में पूरा ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो इस हाईवे की परियोजना में सड़कें दो प्रकार की बनेंगी, जैसे जहाँ भी मार्केट है वहाँ पर आप लोगों को सीमेंटेड रोड मिलेगा, इसके अलावा और भी जहाँ पे हैं वहाँ पे आप लोगों को डामर की तरह जो बनाया जाता है काली वाली रोड वो मिलेगी। उसका क्या नाम है मुझे जानकारी नहीं, आप लोग कमेंट में बता के मेरा मदद कर सकते हैं। खैर अभी हम लोग आ चुके हैं भदोही जौनपुर बॉर्डर पे आ गए ये, और यहाँ पर बनाया जा रहा है एक और फोर लेन ब्रिज। फोर लेन ब्रिज मतलब फोर लेन किया जाएगा, पहले ब्रिज बनेगा आने जाने के लिए अलग अलग बना दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अभी देखेंगे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं धरौरा जगह पे, ये गांव का नाम धरौरा है, और यहाँ पर एक नदी है वरना नदी, और इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था धरौरा ब्रिज जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, तो ऐसे में उसको अब अपग्रेड किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखिए बगल में यहाँ पे एक और ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका कि पिलर पहले बनाया गया था, फिर इसके बाद बीम बना के रख दिया गया है,
अब और भी काम इसके लिए रोड को क्लियरेंस वगैरह मिल जाएगा तो ये बनाया जाएगा। और देखेंगे पुराना वाला ब्रिज काफ़ी जर्जर हो चुका है, इसी पे लोगों को आना जाना रहता है। और अगर आप दाहिने साइड हमारे देखेंगे तो ये नया हाईवे बन रहा है NH 731B, जो कि बनारस से होते हुए ये जाएगा मछली शहर तक, तो जंघई से होते हुए जाएगा, तो ये सीधे लखनऊ तक का ये रास्ता बन जाएगा। तो अभी देखेंगे दोस्तों इस साइड यानी कि लेफ्ट लेन में जो जाने वाला रास्ता है, इस पर आगे बुलडोजर लगा के काम किया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर के सहायता से अच्छे अच्छों का हालत सही कर दिया गया है, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए तो अभी देखेंगे यहाँ पे रोड को क्लियर करने के लिए यहाँ बुलडोजर लगा दिया गया है, और बुलडोजर की मदद से थोड़ा बहुत यहाँ पे खनाई, यहाँ पे खुदेगी मिट्टी, फिर काम होगा। तो जब यहाँ पे रोड क्लियरेंस हो जाएगा, ये बगल बगल नाला बन जाएगा, तभी आगे का रोड बन पाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको भदोही से जौनपुर वाले हाईवे NH 135A का अपडेट दिया, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय सियाराम।